नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं उषा मौर्य जी। उषा मौर्य जी 7 अप्रैल को हमारे पास आई थी, आज तकरीबन 15-20 दिन हो चुके हैं इनके ट्रीटमेंट को। 15-20 दिन के अंदर इनकी किडनी लेवल की रिपोर्ट्स में कितना बड़ा बदलाव आया उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्यों आया इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट्स की तरफ चलते हैं। तो रिपोर्ट्स में हमने जो बहुत बड़ा बदलाव देखा है 15 दिन के अंदर, अब चलते हैं हम उषा जी के पास। उषा जी से पूछते हैं कि कैसे उनको पता लगा, कब उनको ये दिक्कत होनी शुरू हुई। तो उषा जी, ये आपको पता कब लगा था कि आपकी किडनी खराब हो रही है? ये हम टेस्ट कराने गए थे तब उन लोगों ने मतलब मेरे को बताया था कि आपको पता है आपकी किडनी में मतलब प्रॉब्लम है कुछ। अच्छा, तब हमारे किडनी लेवल कितना था जब हमें पता लगा? उस समय तो मेरे को कुछ बताया नहीं था उन्होंने, लेकिन जो बेटा आया था उसको बताया था, उसको मालूम। तो जब हमने टेस्ट करवाया 5 तारीख को पहली रिपोर्ट थी, तो उसमें रिपोर्ट और रहेंगी मतलब इसमें रखी है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा किडनी लेवल अभी तक क्या आया है? 4.24 ही आया। तो आप 5 तारीख को साइंस इंजीनियर आए, 7 तारीख को, तो उसके बाद आपने टेस्ट करवाया दोबारा से 15 दिन की दवाई खाने के बाद? हाँ, ये कराए थे। अब लेवल कितने आ रहे हैं? अब इसमें 1.43। ठीक है, तो इस बीच में आपको अपने शरीर के अंदर बदलाव नजर आया? हाँ जी। क्या बन नजर आया आपको? इसमें आया कि मतलब जो हमारे जो पहले जो कमजोरियां थी, मतलब जो दर्द थे, अंदर गैस बनती थी, उल्टियां होती थी काफी। अच्छा, उस चीज में हाँ बहुत ज्यादा हो रही थी। हाँ। अच्छा। पूरा दिन होती रहती थी, तो उसमें मतलब मुझे काफी। अब तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, अब नहीं हो रही थी। हाँ, अब तो थोड़ा सा दिन में एक दो बार मतलब गैस बन जाती है, तो उसमें उल्टियाँ नहीं होती हैं। तो गैस की गोली खाते हो, नहीं खाते आप? नहीं नहीं, गैस की गोली। 15 दिन के अंदर आपके जो किडनी जो इस लेवल के हिसाब से 60% खराब थी, वो ऑलमोस्ट नॉर्मल की कैटेगरी में आ गई है। ठीक है, ओके। तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत है समझने की आपके हाथ हुआ क्यों था। आपका जब ये एंजियोग्राफी हुई थी ना, तो जो उसमें इंक यूज की जाती है उससे हमारी किडनी को नुकसान हुआ था, जो कि पूरा का पूरा रिवर्स ऑलमोस्ट हो चुका है। 15 दिन के अंदर हम काफी सुधार हो चुका है, 15-20 दिन का महीने भर का ट्रीटमेंट और चलेगा, तो हमारा जहाँ तक है सारी चीजें नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो जो बाकी किडनी फेलियर के पेशेंट, उन्हें क्या कहना चाहोगे? बस यही कहेंगे कि यहाँ पे दिखाएं, आए और दिखाएं अपने, ठीक होकर जाएं अब तो। और क्या, किडनी के लेवल 4 से सीधा 1.43 पे आना ये 15 दिन के अंदर, ये बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट होती है। नॉर्मली इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट किडनी फेलियर पेशेंट्स में नहीं देखने को मिलती। ये इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट तब आ पाती है जब कोई डॉक्टर सही तरीके से किसी पेशेंट का पहले डायग्नोसिस करता है कि उसको दिक्कत किडनी फेलियर की किस वजह से शुरू हुई, और सही तरीके से जब मेडिसिन पेश की जाती है, पेशेंट का पूरा सपोर्ट रहता है, पेशेंट को जो डाइट बताई जाती है उसको फॉलो किया जाता है, तब जाकर हमें इतने अच्छे चेंजेस किसी भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि किडनी को डाउन करना, किडनी को रिवाइव करना आसान काम है, किया जा सकता है, जरूरत होती है सही तरीके की गाइडेंस की। अगर कोई भी अपना एलोपैथिक का पर्चा निकाल के देखे तो उनमें बीपी की मेडिसिन मिलेगी, शुगर की मेडिसिन मिलेंगी, विटामिन डी, कैल्शियम सब कुछ मिलेगा, बट किडनी की मेडिसिन एलोपैथी में ना होने की वजह से वो आप सभी की मेडिसिन में नहीं होती। इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट, KFRT। किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट के अंदर हम सबसे पहले काम करते हैं कि किडनी को चीज कौन सी खराब कर रही थी, किस वजह से किडनी को नुकसान हो रहा था। जब एक बार वो चीजें कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है, तो हम क्या देखते हैं कि बॉडी अपने आप चीजों को सुधारना शुरू करती है, इसको बस थोड़ी सी पुश की जरूरत होती है। वो हेल्प करता आता है KFRT ट्रीटमेंट, जिसके चेंजेस आपको पहले 15-20 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर अपनी रिपोर्ट्स में विजिबल होने शुरू हो जाते हैं, जो कि हमने उषा जी के केस के अंदर भी देखा।